एवरी वन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। दिस इज श्रुति पंडित आर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बैकग्राउंड को किस तरह से ब्लैक कर सकते हो शेड, और मैं कौन सा मीडियम यूज़ करती हूँ शेड करने के लिए बैकग्राउंड को, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कंप्लीट पिक मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये है कंप्लीट ड्राइंग। तो जितना भी आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे मेरे को ब्लैक करना है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा चारकोल स्टिक यूज़ करती हूँ बैकग्राउंड को शेड करने के लिए। तो ये वाला चारकोल बॉक्स होता है, इसके अंदर आती है चारकोल स्टिक्स। तो कैमल की है चारकोल स्टिक्स, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मैंने निकाल रखी है। तो कुछ इस तरह से आती है चारकोल स्टिक्स। अगर आपको ऐसी नहीं दिख रही तो मैं इसकी फ़ोटो आप देख सकते हो। तो ये गाइस कुछ ऐसी होती है ये। इससे कंप्लीट बैकग्राउंड आप ब्लैक शेड कर सकते हो। और ये मेकअप ब्रश है, नॉर्मल मेकअप ब्रश है, आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा ये। तो आप इससे ब्लेंड कर सकते हो अच्छा। तो गाइस मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं चारकोल का यूज़ करते वक्त। चारकोल में काफ़ी डस्ट होता है, तो उससे जो पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, तो वो लगने का भी डर होता है और उड़ता बहुत है वो। तो फ़ैन बंद करके ही आप उसका यूज़ करें। तो जैसे कि मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, आपको भी तो दिख रहा होगा, बट मैं फ़ैन बंद करके ही यूज़ करती हूँ चारकोल का, क्योंकि चारकोल में काफ़ी डस्ट होता है जो उड़ता है, तो हर जगह ब्लैक ब्लैक हो जाता है और वो हटता भी नहीं है बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा कालापन रह जाता है जहाँ जहाँ वो उड़ के गिरता है। और बाकी आपको अपने हाथ को भी वहाँ पे रखना नहीं है जहाँ पे आप चारकोल का यूज़ कर रहे हो। और इसको फिक्स करने के लिए, जैसे कि स्प्रे करते हैं फिक्सेटिव स्प्रे, तो मैं फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट में। और इसका फ्रेम भी करूँगी मैं फ्रेम, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी इस वीडियो में, या तो अगली वीडियो अलग से उसके लिए बना दूँ शायद, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और बाकी आप इसकी सारी फ़ोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अपनी इंस्टाग्राम आईडी का। और बाकी पार्ट वाइज भी जो वीडियोज़ अपलोडेड है मेरे चैनल पे, उनके भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। और बाकी अब मैं स्टार्ट करती हूँ बैकग्राउंड को शेड करना, तो आप कंप्लीट वीडियो एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट।
ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा कि बैकग्राउंड पूरा ब्लैक मैंने शेड किया चारकोल स्टिक की हेल्प से, और अब इसको फिक्सेटिव स्प्रे करना पड़ेगा इस पर, ताकि चारकोल जो है हाथ पे ना लगे। तो मैं ये वाला फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ करती हूँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। और बाकी अभी साइड की टेप्स हटानी है, बाकी कंप्लीट पिक मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल हो तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना, और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे अगर आपने नहीं किया है तो। डेली अपडेट्स मिलती रहेगी आपको मेरे चैनल की और बाकी ड्राइंग्स की भी, और बाकी आगे आप देखो।